हेलो गाइज, अब देखो, अगर आपके पास मोटर कंपनी है जैसे टाटा मोटर, हीरो मोटो कॉर्प, मारुति, फोर्स मोटर्स, ये कुछ कंपनी आपने होल्ड करके रखी, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़ आ रही सीधे जर्मनी से। और देखो, वोल्सवैगन, फोक्सवैगन बोलते इसे, कुड शट डाउन एज मेनी 3 फैक्ट्रीज इन जर्मनी एंड ले ऑफ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वर्कर एज इट सीक्स टू रेज इन इट्स एज इन यूरोप अमिड स्लम्पिंग सेल्स एंड इंक्रीज कॉम्पिटिशन फ्रॉम चाइना। तो चाइना के वजह से ये जो फोक्सवैगन कंपनी है, ये इनका जो जर्मनी का प्लांट है, वो फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री क्लोज करने जा रही है, चूंकि बहुत ही बड़ी न्यूज़ है। फोक्सवैगन में क्लोज जर्मन प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ये बहुत बड़ा प्लांट है जर्मनी का। तो इस कंपनी पे ऐसी नौबत आ गई है, तो सोचो अपने इंडियन कंपनी अगर आती है इसमें तो क्या होगा, ये हम पहले इसमें देखेंगे। तो फोक्सवैगन का तो ये शटडाउन होने जा रहा है, तो इसका इफेक्ट अपने इंडियन मार्केट की कंपनी पे क्या पड़ सकता है वो देखेंगे। फोक्सवैगन ऑल्सो ब्लेम मार्केट डिसरप्शन फॉर कंपनीज फॉलिंग अर्निंग विच सॉ नेट प्रॉफिट इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY24 डिक्लाइन बाय नियरली 64%। इनका प्रॉफिट कम हुआ विथ एज कंपेयर टू क्वार्टर ईयर अगो। सेम क्वार्टर में के प्रॉफिट से अगर कंपेयर करो तो 64% इनका प्रॉफिट कम हुआ है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, और इससे जो हम बोल रहे हैं कि इकोनॉमी बिगड़ सकती है, ये वो हो रहा है, ये इसका एक फर्स्ट स्टार्टिंग है। देखो, मैं हमेशा आपको एक बात बोलूँगा, अगर कार सेल्स और इनके नंबर अच्छे आ रहे ना तो इकोनॉमी सही है, पर अगर जब ये मोटर व्हीकल कार्स, इनके नंबर अगर डाउन होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लो कुछ तो गड़बड़ है। अब हम इंडियन चार्ट से कंपेयर करेंगे, क्या ये ऐसा इंडिया में इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो फर्स्ट चार्ट हमारा होगा इसमें हीरो मोटोकॉर्प। अब हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट देखो, 6,250 से गिर के 4,750 है, मतलब कितना ज़बरदस्त ये चार्ट गिर चुका है। तो हीरो मोटोकॉर्प की कंडीशन तो बिल्कुल ही ख़राब है। इसके साथ साथ मारुति, मारुति मतलब लोग कह रहे थे जब 10-12-13 हज़ार चला गया, अब ये रुकेगा नहीं, ये नेक्स्ट हमारे बनेगा, नहीं भाई, 13,500 से 11,000 तक आ चुका है अभी नीचे ऑलमोस्ट। तो मारुति का भी चार्ट आप देख सकते हो, सीरियस डाउनफॉल है इसमें मारुति के चार्ट में। और सबसे फेवरेट, सबका फेवरेट, बहुत लोगों ने इन्वेस्ट करके रखा है इसमें, जो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का मैं आपको मंथली चार्ट दिखाऊंगा एक बार। मंथली चार्ट पे बहुत ही भयंकर कैंडल बनी है, मतलब देखो जिस कैंडल, मतलब टाटा मोटर को यहाँ से 1, 2, 3, 4 महीने लगते हैं ऊपर जाने के लिए, गिरने में 1 महीना इनफ है, ठीक है। तो टाटा मोटर का चार्ट भी बहुत ख़राब है, बिल्कुल भी अच्छा चार्ट नहीं है ये टाटा मोटर का। तो टाटा मोटर भी गिर चुका है। देखो, जिसने ये लेवल पे लेके रखा है नीचे, अब जब 2020 में 90, 100, 100 या 120 के आसपास था ये लेवल, शायद मैं आपको एक बार मार्क करके दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो 75, बट ये जब ब्रेकआउट दे रहा था 126 के आसपास, जिन्होंने बाय करके रखा है वो सेफ है, बट जो लोग ये रैली में गए हैं, ये रैली में बहुत लोग अटके हैं, तो वो सब खतरे में आ चुके हैं और ये बेच रहे। देखो, ये ब्रेकआउट हुआ ना, ये 700 से लेके 1,000 के बीच में बहुत लोगों ने एंट्री लिए टाटा मोटर में। आपने भी अगर एंट्री ली तो मुझे कमेंट करके बताए कि यस, टाटा मोटर में हमने एंट्री ली है, और ये अब पैनिक में एग्जिट करेंगे। अगर टाटा मोटर की सिर्फ मैं बात करूं, क्योंकि सब चार्ट पे तो नहीं, बट इस चार्ट पे हम फिबोनाची लगाएंगे, क्योंकि ये सबका फेवरेट टाटा मोटर है। देखो, 38% भी तोड़ दिया है, अभी 50% टेस्ट करने आ जाएगा, 780 ये टेस्ट करने आएगा। अगर ये भी तोड़ गया ना तो नीचे सीधा फिर 690, और फिर 690 के बाद 603, ये टाटा मोटर्स के लेवल दिख रही, इतने नीचे। अगर ये फोक्स वैगन बंद होती है तो ये भी जाएगा अच्छा खासा, सिर्फ ग्लोबल इम्पैक्ट बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, सिर्फ ग्लोबल इम्पैक्ट के वजह से जाएगा, बाकी इसके कोई चांस नहीं गिरने के। और ये तो सब गिर रहे थे, बट इसमें बीच में ये ह्यूंडई का आईपीओ लेके आ गए भाई साहब, ये ह्यूंडई का आईपीओ आया, ये भी गिर गया, पर ये भी रिकवर कर रहा है, ये इनिशियल स्टेज है, तो ये चार्ट पे हमें कुछ दिख नहीं रहा प्रॉपर, बट ये भी, इसका भी चार्ट तो खराब ही है।
जो कंपनी ने रिटर्न दिया, जो कंपनी चली वो थी फोर्स मोटर। फोर्स मोटर बहुत सही चली, 2023 तक ये 1,000 रुपये का था, 1,000 रुपये का स्टॉक 10,000 हो गया, देखते देखते बिल्कुल 10,000 हो गया। अब ये 10,000 से गिर के 6,000 आया, अभी फिर से 8,000 पे आ गया। तो फोर्स मोटर ये एक स्टॉक आप बोल सकते हो कि एक लॉन्गर रन, लॉन्गर टर्म में ये स्टॉक हमें चल सकता है। फोर्स मोटर के एक बार है ना फंडामेंटल देखने पड़ेंगे कि इसने ऐसे रिटर्न क्यों कैसे दिए। मतलब 2023 में भी देखो 1,000 रुपये पे था, 2023 में ही 1,000 रुपये वाला 10,000 हो गया। मतलब ये बहुत बहुत बड़ी है कि कंपनी चल रही है, कंपनी बहुत भयंकर रेट से ग्रो कर रही है। 1,000 रुपये पे था तब लेना चाहिए था, बुक वैल्यू 1,800 थी भाई, ये कहाँ चला गया। किसका पी ये रीजन है, देखो ये रीजन है। 41, 98, 54, 118, 177, 221, 215, 279, 254, 245, 277, ये रीजन है स्टॉक क्यों बढ़ा। नेगेटिव से कंपनी सीधा 277 करोड़ का प्रॉफिट करने लग गए भाई, तो ये जाना ही था ऊपर। वाई देखोगे तो देखो 24 करोड़ से 50 करोड़, 313 करोड़, 897 करोड़, टीटीएम बेसिस पे 1,000 करोड़ के प्रॉफिट में कंपनी आ चुकी। तो क्यों नहीं 1,000 का स्टॉक 10,000 होगा, ये चला गया ऊपर। और बोरोइंग देखो कैसे कम कर रहे हैं, 1,000 करोड़ था कर्जा, 955 करोड़ किया, फिर 524 किया, अभी 229 करोड़ किया। नेक्स्ट क्वार्टर में ये रेट से कम किया तो नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी जीरो डेप्ट हो जाएगी, बोरोइंग जीरो हो जाएगी, रिजर्व बढ़ जाएंगे इनके। और तो सही है ओवरऑल, मुझे ये स्ट्रक्चर बहुत सही लगता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एफआईएस ने बाय किया है इधर, 6.4% था एफआईएस के पास 2023 में दिसंबर, फिर 6.6 किया, 7 किया है ना, 61% प्रमोटर ने लेके रखा है। तो फोर्स मोटर भी देखो यार बहुत सही स्टॉक है, बट ये जो ग्लोबल अगर ये गिरावट आती है तो इसमें ये भी स्टॉक नहीं बचेगा, इसको भी नीचे आना ही पड़ेगा। और नेक्स्ट जो सभी म्यूचुअल फंड ने लेके रखा है, सभी म्यूचुअल फंड ये स्टॉक बहुत हेवीली होल्ड करते हैं, टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर भी 3,000 के आसपास वाला 2,400 आ गया था, अभी ये जो रिवाइवल हुआ मार्केट में उसमें ये ऊपर आया है। तो टीवीएस मोटर का भी आप अगर टोटल चार्ट देखोगे और म्यूचुअल फंड्स का अगर डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड ने सभी म्यूचुअल बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने टीवीएस मोटर को एक अच्छा खासा एक्सपोजर दिया है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब उसने होल्ड किया। जैसे कि अगर मैं आपको एक म्यूचुअल फंड दिखाता हूँ, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, इनके अगर मैं होल्डिंग दिखाऊँ आपको तो आप देखोगे कि इनकी सबसे ज्यादा जो होल्ड है इन्होंने ये टीवीएस मोटर में किया है। जैसे ये देखो टीवीएस मोटर 9.71% इनका एक्सपोजर है, मारुति सुजुकी में 76, आईसीआईसीआई बैंक में 7%, डायमंड सुपरमार्ट में 4% है ना, रेड टेप में इन्होंने ये किया है, जोमैटो में इनका ज्यादा एक्सपोजर है। तो ठीक है यार, 60 लाख क्वांटिटी इनके पास, 10.3% था, कम करके 9.29% पे लेके आए। 1 month में 2.12 लाख शेयर्स इन्होंने बेचे टीवीएस मोटर के, बट लेके रखा है, बहुत लोगों ने ये स्टॉक लेके रखा है। कौन सा? टीवीएस मोटर। तो अभी भी चांसेस है ये रिवाइव भी कर जाए, अगर ये नीचे भी आ जाए 2,000 तक तो इनके पास इतना पैसा है कि ये इसमें और इन्वेस्ट कर सके। तो मेरे हिसाब से ये जो न्यूज़ है ग्लोबल फोक्स वैगन की मंदी का, कि 3 फैक्ट्रीज इनको क्लोज करनी पड़ रही है जर्मनी में, ये इन सभी स्टॉक पे इफेक्ट करेगी। और अगर आप होल्ड कर रहे हो तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि आपको कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ इसमें से निकलना है, आपको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर ये कंपनी अगर नीचे आ गई, बाइंग प्राइस के नीचे तो बिल्कुल आने नहीं देना, लॉस में नहीं जाना है, ये स्टॉक में लॉस में नहीं जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।